आशा करूँ कि आप सभी अच्छे हो, एकदम मस्त हो। तो आज सुबह से ही पूजा हो गई और आज षष्ठी है, माँ की षष्ठी की जयंती मनाई थी। तो आज तो आप लोगों ने आरती देखा, तो आप लोगों के साथ मैं कुछ देखा नहीं था। कैसे हो? मैं फिर से आ गया। तो आज का लंच ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, ज़्यादातर लोगों को ही पता है मेरा शाम का लंच क्या होता है। तो आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा है कि मैं कि पानी देता हूँ मूर्ति के पैर पे, भी पानी देता हूँ, जो एक टाइप का स्नान अर्पण किया जाता है हम लोगों ने, तो वही स्नान अर्पण करता हूँ। तो आशा करूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। एंड गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन। और अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं 3:46। तो इसके बाद मैं जाऊँगा जाके माता का वो जो साफ सफाई होता है वो करूँगा। दिखाऊंगा जहाँ पे नॉन वेज आइटम्स भी रह सकते हैं। तो अगर आपको नॉन वेज में अगर प्रॉब्लम हो, अगर आप वेज हो, तो मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हार्म नहीं करना चाहता इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर आप चाहे तो वो वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, तो बाकी पार्ट आप प्लीज़ देखें, क्योंकि आई वॉन्ट टू शेयर दिस विथ यू ऑल। तो आप लोगों के साथ मिलते हैं आरती के समय। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो आरती आप लोगों को मैंने दिखा दी है, तो कैसे आरती हुई मेरे घर पे। तो आप लोगों के लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पंडित जी दिए कि रामनवमी सैटरडे को लग जा रही है महाअष्टमी के बाद, और सुबह अगले दिन प्रातः काल से यानी कि संडे को, सो 14 मार्च संडे को आप लोगों का विजयादशमी शुरू हो जा रहा है। तो जो लोग चाहते हैं तो कलश विसर्जन या प्रतिमा विसर्जन आप लोग संडे के दिन कर सकते हो। तो आज का मैं ब्लॉग में यही पेंट करता हूँ। तो आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।